वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य कछुए और आज अपन पढ़ने वाले बार ग्राफ्स स्टेट बोर्ड का अपना सिक्स टॉपिक है बार ग्राफ्स का। तो बार ग्राफ्स मतलब क्या होता है, आपने क्रिकेट देखा होगा सबने, ठीक है। तो क्रिकेट में कैसा आप इस टाइप का ये देखते हो, तो देखो यहाँ पे मतलब कैसा दिया है कि ऐसे टाइप के आप ग्राफ देखते हो क्रिकेट में कि मतलब ये देखो इस ओवर में इतना है, इस ओवर में इतना है, इस ओवर में इतना है बॉल, मतलब क्या इस ओवर में विकेट आई है। तो इस टाइप के अपन ग्राफ देखते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे होता है 1 रन 2 रन 3 रन 4 रन 5 रन। दिस इज गुड एग्जाम्पल ऑफ बार ग्राफ्स। देखिए कि मतलब ये कितने रन है अपने को एक ही इसमें समझ रहा है। इस ओवर में देखो ये कौन सी ओवर है, समझो ये फर्स्ट ओवर है, ये सेकंड ओवर है, थर्ड ओवर है, फोर्थ ओवर है, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन टेन, ठीक है। तो अपने को ये देख के क्या पता चल रहा है कि मैं अगर आपको पूछूंगा कि आपकी फर्स्ट विकेट, टीम इंडिया की फर्स्ट विकेट कौन से ओवर में गिरी थी, तो आप देखना कि फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर, नाइन्थ ओवर में टीम इंडिया की फर्स्ट विकेट गिरी थी, ठीक है। और उसी के साथ मैं पूछूंगा कि सबसे कम कौन सी ओवर में आए थे, तो आप बोलोगे फर्स्ट ओवर में, सिक्स्थ ओवर में, इलेवंथ ओवर में अपनी सबसे कम आए थे। और मैं पूछूंगा कि सबसे ज्यादा किस में आए, तो आप ये वाली ओवर बोलोगे। तो कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन बस अपने को ये खड़ी खड़ी जो स्टिक्स है जिसको अपन बार ग्राफ बोलते ये दे रही है। अगर मैं ये आपको बताना चाहता था तो पूरा पेज भर के बोल सकता कि एक ओवर में इंडिया ने 2 रन बनाए, फिर सेकंड ओवर में इंडिया ने 3 रन बनाए, फिर फोर्थ ओवर में इंडिया का विकेट गिरा, ये सारा बोलता बताते बताते मुझे पूरा पेज लग जाता। लेकिन बार ग्राफ की मदद से देखिए अपने बस इतनी जगह में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर दिया, अपन इसी को बार ग्राफ बोलते। इतना पावरफुल टूल होता है ये और एकदम आसान होता है, अपने को समझ में भी आ जाएगा अच्छे से और एकदम आसानी से आप मतलब ये कर पाओगे। बहुत पावरफुल टूल है, आपको बाद में भी जब आए फर्दर स्टडीज में बहुत काम में आने वाला है बार ग्राफ्स वगैरह। जब आप पावर पॉइंट बनाओगे इन फ्यूचर, पावर पॉइंट बनाते हो या फिर कुछ डेटा आपको विजुअलाइजेशन करना होता है, तो ये बार ग्राफ जो है ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल टूल होगा आपके लिए। तो अभी एकदम प्रॉपरली अपन सीखेंगे, एकदम मजा करेंगे इस बार ग्राफ्स के साथ और देखते हैं कि अपन नेक्स्ट टॉपिक में अपने पास क्या क्या है इस टॉपिक में। तो देखिए यहाँ पे अभी एक अपने को एग्जाम्पल दिया है कि एक अपने को देखो यहाँ पे ड्राइंग दी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि बाइसिकल टाइप ऑफ व्हीकल क्या है, दिस इज बाइसिकल। तो बाइसिकल कितनी अपने को गिननी है, 1 2 3 4 5 6, 6 बाइसिकल्स है। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कितनी है, 1 2 3 4 5 मोटरसाइकिल है। ऑटो रिक्शा कितने है, ये देखो एक ही ऑटो रिक्शा। बुलक कार्ट कितने है, 1 2 3 बुलक कार्ट्स है, ठीक है। तो जब ये इंफॉर्मेशन अपने पास है, ठीक है, नंबर तो सबके कॉन्स्टेंट नंबर मतलब क्या है कि सबके मतलब कितने कितने हैं, मतलब साइकिल कितनी है अपने पास, मोटरसाइकिल कितनी है, ऑटो रिक्शा कितनी है, बैलगाड़ी कितनी है, सारा का सारा यहाँ पे नंबर्स में अपने को दिया हुआ है। और टाइप ऑफ व्हीकल ना वो अपने को यहाँ दिया हुआ है। तो अपन इसको जब अपने को ग्राफ के फॉर्म में, जब बार ग्राफ के फॉर्म में अपने को जब अपने को एक्सप्रेस करना है ना, तो अपन इसको कैसे करते हैं कि देखो जो नंबर मतलब सबका नंबर तो नंबर ही है, लेकिन यहाँ पे टाइप ऑफ व्हीकल तो चेंज हो रहा है, ठीक है। टाइप ऑफ व्हीकल तो अपना चेंज हो रहा है, नंबर तो अपना वही रह रहा है। तो जो कांस्टेंट रहता है मतलब नंबर हर बार नंबर रहना ना, मतलब 6 नंबर है साइकिल के, मोटरसाइकिल 5 है, ठीक है, ऑटो रिक्शा 1 है, बुलक कार्ट 3 है। तो ये वाली चीज है ना, अपन वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अपन वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, नंबर्स, और यहाँ पे क्या लेंगे, टाइप ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो अपन यहाँ पे फिर पहले क्या करेंगे, मार्क करेंगे। यहाँ पे पहला क्या करेंगे अपन, बाइसिकल, बाइसिकल, ठीक है। दूसरा क्या है, मोटरसाइकिल। तीसरा क्या है, ऑटो रिक्शा। चौथा क्या है, बुलक कार्ट, ठीक है। और इसके ऊपर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो मतलब मैक्सिमम नंबर है ना उसे एक थोड़ा सा ज्यादा दे देना जब कभी बनाते हो। तो अपना क्या है, सबसे पहला क्या है अपना, बाइसिकल। बाइसिकल कितनी है, 6। तो यहां पर कैसा बार आएगा, यहां पर ये इस टाइप का बार आएगा। मोटरसाइकिल कितनी अपने पास, 5 है, तो यहाँ पे उससे थोड़ा छोटा बार आएगा। उसके बाद में अपने पास ऑटो रिक्शा कितने है, ऑटो रिक्शा अपने पास 1 ही है, तो यहाँ पे सबसे छोटा आएगा, मतलब एक का ये यहाँ पे ऐसा मतलब एक को इंटरसेक्ट करने वाला यहाँ पे आएगा। और अपने पास बुलक कार्ड कितनी है, बुलक कार्ड अपने पास 3 है, तो 3 का ये ऐसा आएगा। तो देखो यहाँ पे अपना जो है अपन इस तरह से प्रॉपरली एक बना चुके बार ग्राफ। तो यही होता है अपने को बस ये गिन के प्रॉपरली अपने को ग्राफ पेपर पे बनाना होता है। पते की बात क्या है इस चीज में, पते की बात यह है कि जो अपना चेंज हो रहा है, टाइप जब बोला होता है या फिर नाम जब दिए होते कि राम के पास 2 कैंडीज है, शाम के पास 3 कैंडीज है, आदित्य के पास 6 कैंडीज है, ऐसा जब दिया होगा ना, तब आपको क्या करना है कि जो नंबर ऑफ कैंडीज है ना वो आपको वाई एक्सिस पे लेना है। वाई एक्सिस मतलब क्या, खड़ी वाली। एक्स एक्सिस मतलब क्या, आड़ी वाली। खड़ी मतलब वाई, आड़ी मतलब एक्स। वाई पे क्या लेना है अपने को,
जो चीज कॉन्स्टेंट मतलब हर एक में नंबर जो जिस चीज का होता है ना वो कॉन्स्टेंट होता है, मतलब नंबर ही होता है ना उसमें, ऐसा नहीं होता कि अलग अलग चीजें हो रही है, ठीक है। तो वो जो कॉन्स्टेंट चीज है ना वो अपने को वाई एक्सिस पे लेनी, मतलब खड़ी एक्सिस पे लेनी, और जो चेंज हो रही है ना उसको अपने को एक्स एक्सिस पे लेना। इतना याद में रखो, इतना ध्यान में आ गया आपको तो पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। बहुत आसान टॉपिक है, अपन देखते हैं अभी आगे क्या 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 एग्जाम्पल अपने को। देखो जैसे कि अपन ने बोला था, दिस इज योर ग्राफ पेपर, और इस ग्राफ पेपर पे अपन कैसे कैसे नोट कर सकते हैं। सपोज करो कि आपका, देखो यहाँ पे कितना अपन ने बोला था, राम के पास कितनी कैंडिड है, राम के पास दो है, आदित्य के पास कितनी है, आदित्य के पास तीन है, ओम के पास कितनी है, ओम के पास एक है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ कैंडिड, ठीक है, ये क्या है नंबर ऑफ कैंडिड, तो अपन क्या करेंगे उसको इस एक्सिस पे लिखेंगे, वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ कैंडिड, नंबर ऑफ कैंडीज, ठीक है। और हर एक को क्या लेंगे, दिस इज वन, दिस विल बी टू, दिस विल बी थ्री, यहाँ पे कौन आएगा, ये आदित्य का आएगा, ये राम का आएगा, ओम के लिए जगह नहीं है यहाँ पे, एक छोड़ के ये ओम मान लो, ठीक है, एक छोड़ दिया ऐसा समझो क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं। आदित्य के पास कितनी है, तीन है, तो ये आ गया आदित्य का कॉलम। राम के पास कितनी है, राम के पास दो है, ये आ गया राम का कॉलम। ओम के पास कितनी, ओम के पास एक है, तो ये आ गया ओम का कॉलम, ठीक है। तो इसको अभी क्या करना है अपने को, ऐसे ऐसे इसके अंदर आप लाइंस भी मार सकते हो, थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब टीचर जो लोग है ना आपको मतलब अच्छे से समझ पाएंगे कि आपने कहाँ तक लिया है, और इस वजह से आप मतलब एक अच्छी तरीके से आप डिलीवर कर पाओगे। तो ये आपका हो गया, आपने कर दिया कि मतलब राम शाह राम ओम और आदित्य के पास कितनी कैंडिडेट है, आपने ग्राफ पेपर पे इस तरह से दिखा दिया। ये इसी टाइप से अपने सारे के सारे प्रॉब्लम बनते हैं। अभी अपन यहाँ पे देखते हैं, देखो जैसे कि अपन ने वहां पे देखा था कि कितनी नंबर ऑफ अपने पास ये है, मोटरसाइकिल कितनी है, बाइसिकल्स कितनी है, रिक्शा कितने हैं, बुलक कार्ट कितने, ये अपन ने उस वाले एग्जांपल में देखा था। तो यहाँ पे देखो अपने ग्राफ देख के पता नहीं कितने नंबर ऑफ अपने पास व्हीकल्स है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, बाइसिकल, मेरे पास बाइसिकल कितनी है, ग्राफ देख के बताओ, ये बाइसिकल वाला कॉलम है, ये कहां तक जा रहा है, यहाँ पे 30 तक जा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास बाइसिकल कितनी होगी, बाइसिकल कितनी हुई मेरे पास, आई हैव 30 बाइसिकल, ठीक है। मोटरसाइकिल कितनी हुई मेरे पास, ये देखो कहां तक जा रहा है कॉलम, यहां तक जा रहा है, ये कितना हो गया, मोटरसाइकिल कितनी हुई मेरे पास, 25, ठीक है। रिक्शा कितने हुए, रिक्शा मेरे पास कितने हुए, 5। बुलक कार्ट कितनी हुई, 15, ठीक है। तो इस तरह से अपन ग्राफ देख के भी बता सकते हैं कि कौन सी चीज अपने पास कितनी है। जैसे कि देखो यहाँ पे बाइसिकल अपन ने देख ली कि यहाँ पे इसको कट कर रहा है, मतलब जो अपनी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को 30 पे कट कर रहा है, तो अपने पास 30 बाइसिकल है। और मोटरसाइकिल का जो कलम है, जो बार है, वो अपने वाई एक्सिस को 25 पे कट कर रहा है, तो अपने पास कितनी मोटरसाइकिल है, 25 मोटरसाइकिल है, ठीक है। देखना अपने को ये इसका ऊपर का जो इसका हाइट है ना, ये कहाँ तक जा रहा है वो देखना है, उससे अपने को पता चला कि कितने नंबर ऑफ उनके पास ये। रिक्शा का देखो, जैसे कि रिक्शा का अपने पास कितने रिक्शा, 5 ही है बस, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 5 पे कट कर रहा है, इसका मतलब कि अपने पास रिक्शा बस 5 है, ठीक है। तो ऐसे अपने को देखना है कि अपन ग्राफ देख के बता सकते हैं कि अपने पास कौन सी चीजें कितनी बार है। देखो प्रॉब्लम सेट है अपने पास, यहाँ पे देखो इस प्रॉब्लम सेट में आपने क्या दिया, ग्राफ दिया है, और ग्राफ देख के अपने को सॉल्यूशन बताने का है, ठीक है। दिस बार ग्राफ शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन डिफरेंट सिटीज ऑन सर्टन डे इन फेब्रुवरी, ऑब्जर्व द ग्राफ्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्या बोला कि देखो ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ बता रहा है कि अपने अपने जो फ्यू सिटीज दी हुई यहाँ पे, जो मतलब पचगानी, पुणे, चंद्रपुर, माथेरान और नासिक, यहाँ पे फेब्रुवरी में का एक दिन का इन्होंने टेम्परेचर दिया हुआ है, और इस अपने को ग्राफ को ऑब्जर्व करके ये वाले क्वेश्चन बनाने, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन पढ़ते, पहला क्या है, व्हाट डेटा इज शोन ऑन द वर्टिकल एंड व्हाट एंड एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो कट मारा थोड़ा लाट के, व्हाट डेटा इज शोन ऑन द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपने क्या पूछा है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मतलब क्या होता है, वर्टिकल इज y, हॉरिजॉन्टल इज x, वर्टिकल इज y, हॉरिजॉन्टल इज x, ठीक है। वर्टिकल मतलब क्या, खड़ा, खड़ा एक्सिस कौन सा होता है, y एक्सिस होता है, आड़ा, आड़ा मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल, आड़ा एक्सिस कौन सा होता है, x एक्सिस होता है, ठीक है। तो कौन सा डेटा शो किया हुआ है, वर्टिकल पे, वर्टिकल पे क्या शो किया हुआ है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो वर्टिकल पे क्या शो किया हुआ है, टेम्परेचर इन इन डिग्री सेल्सियस, और हॉरिजॉन्टल पे क्या शो किया हुआ है, मतलब आड़ी पे क्या शो हुआ है, हॉरिजॉन्टल पे शो किया है सिटीज,
जैसे कि मैंने बोला था, देखो टेम्परेचर तो हमेशा टेम्परेचर रहना, सिटीज क्या है अलग अलग हो रही है, जो अलग अलग चीजें होती है ना उसको अपने को अलग अलग चीजों को अपने को क्या करना है, एक्स एक्सिस पे लिखना है, और जो चेंज होती है ना, जो मतलब अलग अलग चीजें जो चेंज होती है ना उसको अपने को एक्स एक्सिस पे लिखना है, और जो सेम रहती है मतलब टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर ही रहेगा हमेशा, तो उसको अपने को वाई एक्सिस पे लिखना है। ठीक है, तो ये अपना हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच सिटी हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर, कौन सी सिटी का सबसे ज्यादा टेम्परेचर था। देखो सबसे ज्यादा मतलब क्या, सबसे ऊंची हाइट, सबसे ज्यादा क्या, सबसे ऊंची हाइट। ठीक है, तो सबसे ऊंची हाइट किसकी है, चंद्रपुर, चंद्रपुर कौन सी सिटी में था सबसे ज्यादा, चंद्रपुर। विच सिटीज हैड इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, कौन सी दो सिटीज के इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर थे। ग्राफ किसके, वो फेब्रुआरी मंथ के मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर था उसके ग्राफ है ये। तो देखो कौन सी दो सिटीज के इक्वल टेम्परेचर है, तो देखो यहाँ पे देखो इसका और इसका हाइट सेम है, इसकी सिटी देखो ये कौन सी, पुणे है, दिस इज नासिक, तो कौन सी दो सिटीज का होगा, पुणे एंड नासिक, पुणे एंड नासिक हैड इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद का क्या है, विच सिटीज हैड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस का कौन सा है, ये देखो सेम सिटीज यही आएगा आंसर, पुणे एंड नासिक, क्योंकि 30 का देखो 30 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा, पुणे एंड नासिक ही है ना। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पाचगनी एंड चंद्रपुर। ठीक है, अपने को पाचगनी और चंद्रपुर के मैक्सिमम टेम्परेचर में डिफरेंस क्या देखना है, पाचगनी का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 25 है, चंद्रपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 35 है, तो डिफरेंस कैसे निकालना पड़ेगा अपने को, 35 - 25, मतलब चंद्रपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर से अपन पाचगनी का मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस कर रहे हैं, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस आएगा, क्यों आपने वो पूछा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पाचगनी और चंद्रपुर में डिफरेंस कितना है, तो उसको अपन ने क्या किया, 35 डिग्री सेल्सियस किसका है, चंद्रपुर का है। ठीक है, पाचगनी का कितना है, पाचगनी का 25 डिग्री सेल्सियस है, सो वी सब्ट्रैक्टेड 25 फ्रॉम 35 एंड वी गॉट 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ करना आपको सिखाए, तो ये अपन यहाँ पे देखो जहां कहीं पे आपको नाम दिख रहे ना, जहां कहीं पे आपको नाम दिख रहे हैं, जैसे कि मोगरा, जाई, हिबिस्कस, ये तो ये जो नाम दिख रहे हैं आपको, ये नाम आपने कहाँ पे लेने, आड़ी एक्सिस पे, मतलब कौन सी एक्स एक्सिस पे लेने, तो यहाँ पे क्या, ये मोगरा, जाई, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स, उसको कितना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, तो ये अपने को अपन ने ऐसा किए, ठीक है, तो अपने पास मोगरा कितना है, 70 है, तो 70 वाला पॉइंट मार्क करो और यहां से ऐसा बार बना दो इसका, तो ये क्या हो गया, ये अपना मोगरा हो गया। जाई कितनी अपने पास, 50 है, तो 50 वाला पॉइंट मार्क करके यहाँ पे जाई बना दिया। हिबिस्कस कितना, 45, देखो अभी 45 आ गया, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे 45 की तो मार्किंग ही नहीं है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर में देखोगे तो ग्राफ पेपर का एक सेक्शन होता है ना, एक वाला, तो उसमें कैसा होता है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, उसमें देखो ऐसी पांच लाइन पे ऐसी एक डार्क रेड कलर की लाइन होती है, ठीक है, पांच लाइन पे, उसके बाद में कैसी लाइन होती है उनके, उसमें उसमें फिर ऐसी छोटी छोटी 5-10 लाइन होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये ऊपर, ठीक है, तो इसमें ऐसी खड़ी 10 लाइनें होगी, आड़ी 10 लाइनें होगी। ठीक है, तो जब आपको दिया रहेगा कि 45, तो 40 अपना यहाँ पे मार्क है, यहाँ पे अपना मार्क 50 है, तो आपने क्या करना है, 40 के 40 और 50 में कितनी मार्किंग है, 10 मार्किंग, मतलब एक मार्किंग एक फ्लोर को अपने को यहाँ पे डिनोट कर रहा है, तो आपने कैसा देखना है, 40 के ऊपर ये 41 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, 45 हो गया, 43, 44, 45, ठीक है, यहाँ पे फिर ये क्या आ गया, दोनों के सेंटर में 45 आ गया, तो इन दोनों के सेंटर में अपन यहाँ पे 45 का मार्किंग ले लिया और यहाँ पे अपन ने ऐसे हिबिस्कस बना दिए, एंड दिस विल बी 80, ये सबसे हाईएस्ट यहाँ पे 80। तो इस टाइप के अपने बार ग्राफ बनते हैं, ग्राफ पेपर को आपको इससे ज्यादा प्रॉपरली अपन ग्राफ पेपर पे इसके बना सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कैसे बनाया, सबसे पहले अपने क्या करना है, स्केल लिखना है, मतलब स्केल क्या ले रहे हैं अपन, यहाँ पे देखो अपन ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है, और ये कितना होता है, ये देखो ये जो होता है ना इतना एक में जो डब्बा बना के दिखाया था ये वाला, ये 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, स्केल में क्या लिखना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 प्लांट्स, ठीक है, आपने को प्लांट्स बताया ना मोगरा कितने, जाई के कितने, हिबिस्कस के कितने, तो ये अपने को 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 प्लांट्स अपने को लिखना है यहाँ पे, क्योंकि क्या ये 1 सेंटीमीटर में अपने कितना लिखा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे अगर मैं 20, 40, 60,
80 ऐसा लिखता, सपोज करो यहाँ पे मैं 20 40 60 80 ऐसा लिखता, तो यहाँ पे क्या होता फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 प्लांट्स ऐसा आता, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्या, जो अपन एक जितना है इसको अपन ने कितना मेजर करके रखा है उसको अपन 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 40 60 80 करता तो 1 सेंटीमीटर टू 20 प्लांट आता है, लेकिन आपने यहाँ पे 10 लिया हुआ है, ठीक है। तो 10 लिया अपन ने, और यहाँ पे देखो यहाँ पे मोगरा तो हो गया, मोगरा अपना कितना था 70 था, जाई कितनी थी अपनी 50 थी, हिबिस्कस कितना था, हिबिस्कस अपना 45 था, तो 40 और 50 है देखो, ठीक है। इसमें कितना है 41 42 43 44 45 45 पे ऐसा फिर लाइन बना के ऐसे अपन ने हिबिस्कस वाला कॉलम बना लिया, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा आपका। अभी एक्सरसाइज दी है आपने को, एक्सरसाइज में देख के ग्राफ बनाने बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा वो देख लेना है। ये देखो नंबर जो जो दिख रहे हैं ना आपको, जो नंबर दिए रहे होगे ना उसको कुछ नहीं, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, उसको खड़ी वाली लाइन पे लिख देना है। नंबर जो है ना ये 30, 60, 40, 50, 55, तो अपने को ये खड़ी एक्सिस पे लिखना है, ठीक है। खड़ी एक्सिस पे क्या लिखे अपन, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किसमें, लीटर्स में, इक्वल टू 10 लीटर्स, क्योंकि हर एक को अपन ने कितना कितना 10 10 से बढ़ाया ना, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू अपना 10 लीटर आएगा, ठीक है। तो रमेश के पास कितना, यहाँ पे आएगा रमेश, यहाँ पे आएगा शोभा, यहाँ पे आएगा आयुब, यहाँ पे आएगा जूली, यहाँ पे आएगा राहुल, ठीक है। तो रमेश के पास कितना है, 30 लीटर है, 30 पैसा मार्किंग ले लिए, और ऐसा ही रमेश के पास 30 लीटर हो गया। शोभा के पास कितना, 60 लीटर है, 60 पैसे मार्किंग ले लिए, ये शोभा के पास ऐसा 60 लीटर हो गया। आयुब के पास कितना, 40 लीटर है, 40 पे ये मार्किंग ऐसे लिए, अरे आयुब के पास 40 लीटर हो गया। जो जूली के पास कितना है, 50 लीटर है, 50 पैसे मार्किंग लिए, और ये जूली के पास 50 लीटर हो गया। एंड राहुल के पास कितना है, 55 लीटर, तो दोनों के बीच का लेके इसको मतलब ऐसे ऐसे मार्क करके फिर दोनों के बीच का अपन 5 गिन के ऐसे अपन राहुल के पास 55 लीटर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को ग्राफ बनाने के। सेकंड क्वेश्चन कभी ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो कमेंट में पूछो, अपन नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा अपना उसमें अपन बनाएंगे कि नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट जा रहा है वो अपन उसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, आप क्या करो कि जो पावर पॉइंट होता है, एक्सेल जो होता है आपका, उसमें ये बहुत ज्यादा यूज होता है। आप जब बड़े बनोगे ना, जब आप इंजीनियरिंग करोगे या फिर डॉक्टर बनोगे, जहां कहीं जाओगे आपको ये वाली चीजें ना बहुत ज्यादा काम में आने वाली, क्यों, क्योंकि आपको ये मतलब हमेशा यूज में आएगा। देखो जैसे कि आपने क्रिकेट वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है, क्रिकेट का इतना बड़ा एग्जांपल था ये, मतलब इतना ज्यादा समरी जो है 2 पेज का अगर बनता, इंडिया ने पहली बॉल पे इतना मारा, दूसरे ओवर में इतना मारा, ये आपको बस इतनी सी फिगर में आपको समझ में आ रहा है, तो इतना ज्यादा पावरफुल होता है बार ग्राफ्स, ठीक है। तो ये अपन अच्छे से ये टॉपिक की अपन ने अभी, अगर आपको कोई डाउट होगा ना कमेंट में पूछिए, और अभी क्या अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे में स्टेट बोर्ड का जो कंटेंट है आपके लिए लाते रहूंगा अपन। फिर ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी बताइए मुझे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।